नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह। आज हम पहुँचे हैं जयपुर का जंतर मंतर। दोस्तों प्राचीन, बहुत ही प्राचीन, अद्भुत है, विज्ञान से सराबोर। और यहाँ जो है जो राजा थे उस समय के, उन्होंने जो है ये साइंस के अकॉर्डिंग ये जंतर मंतर बनाया है। या जो भी चीज़ें, ये मैन गेट देखिए आप, यहाँ जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ कुछ ना कुछ रीजन है हर एक यंत्र का। ये आप देख सकते हैं, सर्कल बना हुआ है, सर्कल पूरा राउंड है, जो लाइन ऐसे हैं लॉन्गिट्यूड और लाइन ऐसे हैं लैटिट्यूड। सेंटर जो होल है, इस होल का सेंटर जयपुर माना गया है। तो होल की डाउन साइड कंटिन्यूस लाइन जा रहे हैं, जैसे एक उस कॉर्नर लाइन में हाफ कर्व बन रहा है, इक्वेटर है। तो जयपुर इक्वेटर से अबव है, 70 डिग्री उत्तर में है। तो रात को एस्ट्रोलॉजर यहाँ आकर इस सेंटर वाला होल में एक लगा है मेटल पैक, उनको लगता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का वन फर्ट डाउन रहता है और वन फर्ट अप रहता है। तो टेलीस्कोप जो डाउन फर्ट डिग्री में रहता है, वो 360 डिग्री में से आप कौन सा डिग्री को मैच कर रहे हैं और लाइन में देख रहे हैं तो कौन सा नक्षत्र है। तो 27 नक्षत्र होते हैं, नाम देखो हिंदी में लिखा था छोटा छोटा, मोहिनी, स्वातिका, अश्विनी, कृतिका, भरणी, हिंदी नाम लिखा जाते हैं। तो उसी कुंडली द्वारा होता जाता है हॉरोस्कोप। तो दोस्तों देखिए, यहाँ जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, इस समय ये नाड़ी वलय उत्तर गोल, ये आप देख सकते हैं, ये समय का पता लगता है इससे, बहुत ही सुंदर। इस इंस्ट्रूमेंट से सन का पोजीशन मालूम होता है। हाँ, कि सन कौन से डायरेक्शन में है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसे हम उत्तरायण कहते हैं, तो अभी पूरे सिक्स मंथ समर सीजन में यहाँ लाइट रहेगा, हमेशा सन का ब्राइट रहेगा। तो ब्राइट होने से ना जो सेंटर में जो पाइप लगा है, ये शेडो बन रहा था, शेडो वहाँ सामने शेडो में हल्के से शेडो आ रहा है, ये टाइमिंग शो करता है। और ये टाइम कौन सा है, जयपुर सोलर टाइम, और अपना वॉच का टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अपना वॉच का टाइम इस टाइम से टुडे डिफरेंस है 33 मिनट, तो उसमें 33 प्लस करना है। तो अभी आई एस टी ना अपना इलाहाबाद से लेते हैं मिर्ज़ापुर से स्टैंडर्ड टाइम, तो अपना आई एस टी तो दिल्ली का है ना, नहीं इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर से। तो देखो शेड्यूल सामने वहाँ है, तो 4:05 हो गए, 5 मिनट, तो 4:05 में हमको जोड़ना है 33 मिनट। तो दोस्तों ये जो यहाँ बनाया है, जो भी कुछ बना हुआ है, ये वैसे ही नहीं बनाया, ये जंतर मंतर जो है बहुत ही ऐतिहासिक और सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड चीज़ है, साइंस। देख सकते हैं यहाँ कुछ ना कुछ बिल्डिंग टाइप बनी हुई हैं, इनका मतलब है, ये देखिए। ये देख सकते हैं यहाँ जो है पृथ्वी के बारे में जो क्या टाइमिंग है, मॉर्निंग इवनिंग कैसे होता है, पूरी जानकारी है। मतलब एक बहुत अद्भुत विज्ञान था हमारा, उसको ये देख सकते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा, लघु सम्राट यंत्र, राजा के द्वारा एक यंत्र था ये। बहुत ही सुंदर, वे हम सभी को देखते हैं। अब यहाँ गिरेगी, यानी कि अब थोड़ी धीरे धीरे नजर आ रहा है, तो ये
नीचे आता जाएगा, तो 21 जून ये रोड पर चल रहा चक्रयंत्र। इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं और ये अष्टधातु यहाँ से तो बड़ी साइंस है भाई। कितना बड़ा भारत का वास्तव में इतिहास दमदार रहा भाई। यंत्र है भाई ये भी। This side you will see the border of the largest sundial. This side you will see the border of the largest sundial. ये कहाँ है ग्रेन्स का आधा यहाँ जितने भी यंत्र वगैरह बने गए हैं इनका कुछ ना कुछ रीजन है, मतलब है, लेकिन जानकारी जरूरी है इनकी। राशियों से रिलेटेड अच्छा मिथुन ये सभी राशि है ओके जो स्तंभ से बने हुए हैं। मिथुन देखो यहाँ पे कहते हैं थोड़ा सा हार्ड आते हैं कि 12 राशि बनेगी, ये मिथुन राशि है। एक राशि एक महीने की होती है, तीन राशि में जैसा होता है और किसी बच्चे का जन्म होता है तो होता है आपके सूर्य का सदा मेरे साथ चालू कर रहा है चालू वाले की सारी
मेष राशि आती है पहले नंबर, एक राशि तीन अरे यार रू वन टू है थ्री है फोर तेरे कैसे छोड़ी छोड़ छोड़ी तेरे को तो जरूर बेटा दक्षिणा भित्री भित्ति
शक्ति यंत्र। एक यंत्र यहाँ भी है, देखते हैं भाइयों। एग्जिट द्वार सामने और जी चलते हैं। दोस्तों ये है सिटी प्लेस, साइड में सामने आप देख सकते हो, ये अब बंद हो चुका है, नहीं तो हम वहाँ भी चलते। जयपुर बहुत ही सुंदर है। सिटी पैलेस सवाई मानसिंह है। टिकट है, टिकट तो है मेरे पास यहाँ का।